हमारे जो खिलाड़ी सालों साल मेहनत करते हैं ना कि ओलंपिक्स में वो एक मेडल ला पाए, इस देश के लिए, इस देश का नाम रोशन कर सके, वो आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, वो न्याय जो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। ये है हमारे रेसलर्स जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं WFI के चीफ के अगेंस्ट। वो कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए और उन्होंने कई सारे एलिगेशन भी उन पर लगाए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों हमारे रेसलर्स ने ये कदम उठाया है, क्यों हमारे रेसलर्स को अपने मेडल्स को दूर रखने के बाद जंतर मंतर पर बैठना पड़ा है। आखिर ये बृजभूषण शरण सिंह है कौन जिनके अगेंस्ट पूरा ओपोजिशन रेसलर्स के साथ आ खड़ा है। इस पूरे केस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जनवरी में एक न्यूज हेडलाइन बन जाती है क्योंकि जिन खिलाड़ियों को देश का सम्मान माना जाता है वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे और बस मांग थी कि बृजभूषण सिंह पर जितने एलिगेशन लगाए हैं उन सभी की जांच हो। तब इस बात पर एसोसिएशन का भी कहना है कि जांच की जाएगी, पर फिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद जनवरी में बिल्कुल अपॉलिटिकल रहा ये प्रोटेस्ट अब पॉलिटिकल भी बन गया है क्योंकि पूरा अपोजिशन रेसलर के साथ है। इसका जवाब है वो लीडर जिस पर रेसलर ने एक्यूजेशन लगाए हैं क्योंकि वो काफी बड़ी पोजीशन पे है, और इसलिए हमें एक्यूजेशन से पहले ये जानना होगा कि आखिर बृजभूषण सिंह है कौन। बृजभूषण शरण सिंह, ये नाम भले ही आपने पहली बार सुना हो पर ये राजनीति में काफी जाना माना नाम माना जाता है और ये गोंडा से बिलोंग करते हैं। इनको पहली टिकट समाजवादी पार्टी से मिली थी जिसके बाद 5 बार जनता ने इनको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना। इसके साथ साथ वो कई सारी रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हो या फिर एशियन रेसलिंग फेडरेशन हो। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जितने भी रेसलिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो होता है वो बृजभूषण शरण सिंह का ही होता है, और साथ ही ये उन नेताओं में से एक भी हैं जिनके साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड जुड़े होते हैं। एक इंटरव्यू में तो इन्होंने साफ साफ ये कमिट भी किया था कि इन्होंने एक क्राइम किया हुआ है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहे मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। जिसके बाद हम ये तो समझ गए कि ये काफी बड़ी पर्सनालिटी है जिनके पीछे काफी ज्यादा सपोर्ट है क्योंकि इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया था, और अब इन्हें बृजभूषण शरण सिंह पर हमारे रेसलर्स ने कुछ एक्यूजेशन लगा दिए हैं जिसकी वजह से वो सभी रेसलर्स अब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उन एक्यूजेशन की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड चैंपियन विनेश फोगट का कहना है कि उन्हें कई फीमेल रेसलर की कंप्लेंट्स आई है कि उन्हें सेक्सुअली हैरेस किया गया है, और ये एलिगेशन उन्होंने WFI प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह पर और साथ ही कुछ और स्टाफ मेंबर्स पर लगाए हैं, और उन्होंने कहा है कि दे हैव प्रूफ्स, अगर पीएम मोदी उन विक्टिम से मिले तो वो प्रूफ्स भी सामने दिखाए जा सकते हैं। अब तक इस वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, किसके अगेंस्ट हो रहा है, पर अभी भी एक सवाल है जिसका आंसर हमने नहीं दिया कि आखिर ये प्रोटेस्ट दोबारा क्यों हो रहा है। सी, लास्ट टाइम जब प्रोटेस्ट हुआ था ना तो अनुराग ठाकुर गए थे सभी रेसलर्स के पास और उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो 4 हफ्ते में इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को पूरी कर देगी। एक कमेटी बनाई गई थी जिसका हेड मैरीकॉम को बनाया गया था, जिसके बाद उस कमेटी ने अप्रैल के फर्स्ट वीक में अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था, पर उस इन्वेस्टिगेशन से कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद एक और बार सभी रेसलर्स जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि इस प्रोटेस्ट को अपॉलिटिकल रखने से कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो इस बार उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट भेजा था कि आप सभी आए और हमारा साथ दें ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपोजिशन ने इस इनवाइट को एक्सेप्ट भी किया है। प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा, ऐसे कई लीडर्स प्रोटेस्ट में रेसलर के साथ दिखे, और इस बार स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी रेसलर के सपोर्ट में अपनी आवाज उठाई है। रेसलर फिलहाल बृजभूषण शरण सिंह के रिमूवल और अरेस्ट की मांग कर रहे हैं और उन्होंने उनके अगेंस्ट FIR भी रजिस्टर कर दी है। अभी तक आपने जो कुछ भी सुना ना ये एक साइड की स्टोरी थी, इसकी एक और साइड है और वो है बृजभूषण शरण सिंह की। उन्होंने कहा है कि वो इनोसेंट है, अगर उनके अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन प्रूफ हो जाता है तो वो फांसी पर चढ़ने को तैयार है। उस समय कोई वो नहीं किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ, एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी रेसलर्स वहाँ पर बैठे हैं ना ये एक ही अखाड़े के हैं और एक ही फैमिली के हैं, उनके अलावा जो 90% रेसलर्स है वो अभी भी बृजभूषण शरण सिंह के साथ है। और बृजभूषण शरण सिंह ने ये भी कहा है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। उनका रिजाइन करने का मतलब ये होगा कि उन्होंने सभी एक्यूजेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और वो ये नहीं करना चाहते। सी, इस पूरी सिचुएशन का कंक्लूजन निकालने के लिए कमेटी बिठाई गई है जिसके पास 45 डेज है पूरी इन्वेस्टिगेशन को कवर करने के लिए। व्हाट आई बिलीव कि ऐसे केसेस में ट्रांसपेरेंसी का होना काफी जरूरी है क्योंकि जैसा रेसलर कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम में करप्शन काफी है, बिना ट्रांसपेरेंसी से इस केस का कोई कंक्लूजन निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। आपके इस केस पर ओपिनियन क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद।